यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के आतंक से सभी वाकिफ हैं। इसकी कहानी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी जुड़ी है। ये घटना साल 2005 की है। उस समय मऊ में दंगे हुए थे। आज हम आपको वो 16 साल पहले की कहानी बताएंगे। उस समय मुख्तार खुली गाड़ी से दंगों वाली जगहों पर घूम रहे थे। उसी समय मुख्तार पर दंगों को भड़काने का आरोप लगा था। इन दंगों के बाद 2006 में गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि वो मऊ दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। जब वो गोरखपुर से मऊ के लिए निकले तो उन्हें दोहरी घाट पर ही रोक दिया गया। इसके 3 साल बाद साल 2008 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के विरोध में रैली निकालेंगे। दिन तय हुआ 7 सितंबर 2008, जगह डीएवी कॉलेज का मैदान। सीएम योगी उस रैली के मुख्य वक्ता थे। रैली की सुबह गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। उन्हें आजमगढ़ में विरोध की पहले से ही आशंका थी, इसलिए सीएम योगी की टीम पहले से तैयार थी। काफिले में सीएम योगी की लाल एसयूवी 7वें नंबर पर थी। आजमगढ़ के करीब पहुंचने तक काफिले में करीब 100 चारपहिया वाहन और सैकड़ों की संख्या में बाइकें जुड़ चुकी थी। एक पत्थर काफिले में मौजूद 7वीं गाड़ी यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पर लगा। योगी के काफिले पर हमला हो चुका था। यह हमला सुनियोजित था। उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया था कि उन पर किसने हमला करवाया था। तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि काफिले पर लगातार एक पक्ष से गोलियां चलाई जा रही थी, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस मौन खड़ी थी। हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जिसने भी गोली मारी है अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो गोली मारने वालों को जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। आजमगढ़ हमले में कुछ लोगों ने मुख्तार का हाथ होने का आरोप लगाया, लेकिन ये सिर्फ आरोप था, इसकी पुष्टि कभी नहीं हुई।